So, रनिंग करने से घुटने डेफिनेटली गिर जाते हैं। रनिंग करने से बेटा क्या होता है कि अगर आपकी पटेला ट्रैकिंग अच्छी नहीं हो और आप रनिंग करो तो पटेला ऐसे घिस के चलेगा तो पूरा घुटना गिर जाता है, इसीलिए तुम्हारे रनिंग करने से घुटने में दर्द हो गया। तो रनिंग करना कई बार नुकसानदायक हो जाता है अगर आपकी पटेला ट्रैकिंग वाली मसल्स अच्छी नहीं है। तो इसलिए जो भी हाई एंड रनर्स होते हैं ना, वो जिम के अंदर 2-3 घंटा बिताते हैं रनिंग के साथ साथ। क्यों? वो पटेला ट्रैकिंग और नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करते हैं ताकि जो रनिंग करें तो उनका पटेला उठ के चले। सो रनिंग करने से घुटने डेफिनेटली घिस जाते हैं। आप चलो भागो कुछ भी करो आपके घुटने घिसेंगे, अनलेस एंटिल आपकी मसल्स अच्छी हो जो पटेला ट्रैकिंग इम्प्रूव करके रखना। हमें एक्सरसाइज करनी है पटेला ट्रैकिंग इम्प्रूव करने की ताकि पटेला उठ के चले, सेंटर में चले। फिर आप रनिंग करो, चलो कुछ भी करो, आपका घुटना हमेशा हेल्दी रहेगा और बेटर रहेगा। रनिंग बहुत अच्छी है अगर आप एक्सरसाइजेस के साथ करो। एक्सरसाइज का मतलब नहीं है कोई भी एक्सरसाइज करो, स्पेसिफिक रनिंग की एक्सरसाइज। ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट क्या बताएंगे, जाओ पैर बैंड करो, पैर सीधा करो, टॉवल दबाओ, पाँव उठाओ, ये एक्सरसाइजेज नहीं होती है। एक्सरसाइज एडवांस होती है जिसमें VMO ट्रेनिंग होती है, सेंट्रिक ट्रेनिंग होती है, ई सेंट्रिक ट्रेनिंग होती है, एजिलिटी ड्रिल्स होती है और धीरे धीरे एक्सरसाइजेस बढ़ती है।